शादियां दो टाइप की होती है, एक है लव मैरिज जहाँ पे जान पहचान करने के बाद शादी की जाती है, और दूसरा है अरेंज मैरिज जहाँ पे जान पहचान करने का कभी कभी टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से लक के ऊपर डिपेंड करके शादी कर लेना होता है। अगर लक अच्छा हुआ तो जिंदगी पार लग जाएगी, अगर लक अच्छा नहीं हुआ तो शराबी वाला मारने पीटने वाला हस्बैंड मिलेगा या फिर उस टाइप का बीवी हमें मिल जाएगा। तो इसी अरेंज मैरिज को कंसेप्ट बना के 2 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे एक रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी रिलीज हो चुका है। तप्सी पन्नू, विक्रम मैसे एंड हर्षवर्धन राणे स्टीयरिंग हसीन दिलरुबा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो कि आप सब अच्छे और सही सलामत होंगे। आज मैं इस वीडियो में हसीन दिलरुबा मूवी को लेकर एक रिएक्शन वाला रिव्यू दूंगा और उसके साथ इस फिल्म को लेकर कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी हम बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज काइंडली जाके पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ पास कर घंटी का बटन उसको भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। विक्रम मैसे एज ऋषभ सक्सेना, जो ज्वालापुर के रहने वाला एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, जो एकदम सीधा सादा नॉर्मल दिखने वाला लड़का है, जो अपने फीलिंग्स को अंदर ही दबा के रखता है, बाहर किसी को नहीं बता सकता, किसी को नहीं जता सकता कि उसके अंदर क्या है, उसके लिए प्यार है, गुस्सा है, क्या है वो नहीं दिखा सकता। इस टाइप का लड़का है वो, जिसके लिए एक अच्छी सुंदर सुशील बहू ढूंढने के लिए निकल पड़ता है उसके माता पिता, जो तप्सी पन्नू एज रानी कश्यप के घर जाती है लड़की देखने के लिए। उसके बाद ही रानी कश्यप और ऋषभ सक्सेना यानी विक्रम मैसे और तप्सी पन्नू के कैरेक्टर्स एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उसके बाद उनके शादी भी हो जाती है। तो इधर मैं एक चीज आपको बता दूं कि तप्सी पन्नू एज रानी कश्यप का जो ये रोल है, उस रोल में उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो बहुत ही अलग है हमारे ऋषभ सक्सेना के कैरेक्टरिस्टिक्स से लेकर। रानी कश्यप इधर जो हस्बैंड चाहते हैं वो थोड़ा नॉटी होगा, सेक्स अपील कर सके और हैंडसम कहे, बोल्ड कहे, ये सब चीजें हो सकते हैं, लेकिन उनको मिलता है एकदम सीधा सादा ऋषभ सक्सेना। शादी के बाद ऋषभ सक्सेना तप्सी पन्नू एज रानी कश्यप को प्यार कर बैठती है, लेकिन वो मन से होता है क्योंकि वो अपने अंदर से उस चीज को, उस फीलिंग्स को नहीं जता सकता, तो इस वजह से वो नहीं बता पा रहा है कि उसके अंदर रानी कश्यप को लेके क्या क्या फीलिंग्स है। लेकिन इस तरफ अगर देखे तो रानी कश्यप मन से ज्यादा तन को ध्यान देती है, तो उनके लिए ये बहुत बुरा मतलब फैसला था इसको शादी करने का। लेकिन इसी दौरान उनके बीच जो रोमांस, जो फनी एलिमेंट, जो कॉमेडी चलता है, उसको देख के हमें सच में बहुत मजा आएगा, मुझे तो आया है। ये फर्स्ट का मूवी का जो फर्स्ट का 30 मिनट है उसमें सिर्फ यही चीजें दिखाया जाएगा, उसके बाद अचानक से चुटकी में ही एक इंटेंस वाला बादल पूरे मूवी के चारों तरफ घिर जाएगा। इन दैट टाइम उनके शादी के कुछ दिनों के बाद ऋषभ के मौसी का लड़का नील, जिसका कैरेक्टर प्ले कर रहे है इधर हर्षवर्धन राणे, आता है उसके घर में छुट्टियां बिताने के लिए। वो बहुत एट्रैक्टिव किस्म का लड़का है, बोल्ड है, मसल वसल है, एकदम स्टाइलिश वगैरह वगैरह जो भी कहे वो सब है, जो रानी को चाहिए था, जिसके कारण रानी उसके पीछे थोड़ा पागल कहे या कहे तो खींचा चला, यानी अट्रैक्ट हो रहा था, जिसके वजह से उन दोनों के बीच ऐसा कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था। इससे पहले ही मैं बता दूं कि ऋषभ रानी से ऑलरेडी दूर जा चुका था, बिकॉज उनके जो पर्सनल बातें हैं, उनके जो पर्सनल काम है, यानी पति पत्नी का जो पर्सनल मोमेंट्स यानी लाइफ है, उसको रानी अपने घर में अपने माँ से, अपने मौसी से शेयर करती थी, जो ऋषभ को पसंद नहीं था। वो उसको ईगो कहे तो या कुछ भी कहे, उसको ये हर्ट हुआ, सो वो धीरे धीरे रानी से दूर चले जाती है। और तब जब नील आता है तो रानी नील के पीछे जब अट्रैक्ट होने लगता है तो उनके बीच ये चीज हो जाता है। नील को मटन खाने का बहुत शौक होता है, जिसके लिए वो मटन उस घर में लाती है जिस घर में वेजिटेरियन होता है, तो इसी वजह से उसको एक अलग से रसोई में जाना पड़ता है। उस रसोई का पूरा इंतजाम ऋषभ ने ही किया था, क्योंकि ऋषभ को तब तक ये लगने लगा था कि रानी ऋषभ के लिए ही ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि रानी का जो बिहेवियर है वो पहले से चेंज हो चुका था। चाय बना रही थी वो, खाना बना रही थी वो, अच्छी अच्छी बातें कर रही थी वो, आखिर ये सब क्यों हो रहा है, उसको ये लगा कि वो बस उसके लिए
ये बस फीलिंग्स जो है रानी के अंदर वो अब ऋषभ के लिए बाहर आ रहा है, तो ऋषभ को अच्छा लगने लगा है। लेकिन अचानक से जिस दिन मटन बनता है नील के लिए, उस दिन अचानक से नील चला जाता है, जिसके कारण रानी को बहुत ज़रा सगमा पहुंचता है और उसको ये एहसास होता है कि इधर नील आया था, उसके लिए साथ जो कुछ भी हुआ वो नील बस अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर रहा था, ना कि वो रानी को पसंद करता था। इस चीज़ का एहसास होने के बाद वो ऋषभ को बता देती है उसके और नील के बीच, और तब तक उसके अंदर भी ऋषभ को लेकर कुछ कुछ जगह में कुछ कुछ बातें होने लगती है, मतलब वो भी ऋषभ से प्यार करने लगती है। लेकिन इधर ऋषभ को जब पता चलता है, ऋषभ कोई रिएक्ट नहीं करता, चुप हो जाता है और भी ज़्यादा चुप हो जाता है, और उसके अंदर हम एक दूसरे पर्सन को देख पाते हैं। ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि मैंने इसको प्रेडिक्ट या कहे तो नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है, ऐसा भी कुछ दिखाने वाला है इसमें। मतलब उसके दिमाग में इतना ज्यादा इतना बड़ा धक्का लगा था उसके बीवी और नील के बीच उस संबंध को सुनने के बाद कि वो पूरी तरह से चेंज हो चुका था। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझने में आ जाएगा कि क्या हो रहा है इस फिल्म के अंदर। लेकिन फिल्म के स्टार्टिंग में ही आपको एक चीज दिखाया जाएगा, जब रानी अपने घर से बाहर कुत्तों को खाना खिला रही थी, तभी अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, सिलेंडर ब्लास्ट होता है, और वो जब दौड़ के जाती है तो वहां पे ऋषभ का हाथ पड़ा था, उसकी बॉडी पूरी तरह जल चुकी थी। अब इस बारे में मैं और एक चीज आपको बता दूं, पहले ही इसमें दिखाया गया है कि ऋषभ अपने लेफ्ट हैंड में रानी का नाम टैटू करवाती है, जिसके कारण उसका जो हाथ था वही हाथ उधर पड़ा था। तो उसको देख के पुलिस वाले भी ये कंफर्म कर चुके थे ऋषभ की ही मौत उधर हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आपके सामने, मेरे सामने, सबके सामने आएगा कि क्यों, कैसे, किसने मारा है ऋषभ को? सभी तो यही बता रहे हैं कि जो रानी है वो अपने लवर यानी नील के साथ मिलके ऋषभ को मार देता है। लेकिन हम जब लास्ट तक जाते हैं, मतलब इसी सवाल के साथ हम लास्ट तक देखते हैं कि क्या हुआ था, किसने मारा था, कैसे मारा था और क्यों मारा था, इन सारे सवालों को जानने के लिए हम जब लास्ट तक जाते हैं, तब लास्ट के 20 मिनट में आपको जो चीज दिखाया जाएगा वो चीज टोटली अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है। मतलब आप सोच भी नहीं पाओगे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। एकदम अनोखा भरा, एकदम अनोखी थ्रिलिंग, अनोखा मर्डर मिस्ट्री, अनोखा सस्पेंस इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत ही यूनिक तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। अगर हम इसमें परफॉर्मेंस की बात करें तो विक्रांत मैसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है उनका। मिर्जापुर सीजन 1 के बाद इस फिल्म में मुझे उनका परफॉर्मेंस फैंटास्टिक, ऑसम, आउटस्टैंडिंग, मार्वेलस, ऑसम, क्या कहे, सब कुछ लगा मुझे। हाँ, बीच में भी बहुत सारे सीरीज, बहुत सारे फिल्म्स आए हैं, लेकिन उसमें मुझे विक्रांत मैसे को उतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया था। उनका जो टैलेंट है वो हमारे सामने नहीं आया था, जो इसमें आया है। इसमें विक्रांत मैसे का फनी वाला लुक दिखाया जाएगा, इसमें विक्रांत मैसे का इंटेंस वाला लुक, थ्रिलर वाला लुक, सब कुछ, हर एक मोमेंट्स को जहां जहां पे वो है, मतलब विक्रांत मैसे है, उस जगह में आपको इतना ज्यादा ऑसम लगेगा उनका परफॉर्मेंस कि मैं क्या बताऊँ आपको, आपको तो इसको देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। और दूसरी तरफ तप्सी पन्नू, उनका भी एक्टिंग ऑसम है। आखिर मैं कहूँ तो इनमें जो लीड रोल है वो सिर्फ और सिर्फ दो कैरेक्टर का है, एक है विक्रांत मैसे और दूसरा है तप्सी पन्नू। इन दोनों का एक्टिंग लाजवाब कमाल का है। इन दोनों के एक्टिंग के वजह से, इन दोनों के परफॉर्मेंस के वजह से इस स्टोरी में जो थ्रिलिंग मूवमेंट्स है, जो सस्पेंस मूवमेंट्स है, जो मिस्ट्री है, उसको बहुत अच्छी तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। और इधर नील का रोल प्ले करने वाले हर्षवर्धन राणे, उनका स्क्रीन बहुत ज्यादा कम है, एकदम लिमिटेड। उनका काम तो इसमें सिर्फ ऋषभ और रानी के बीच का जो दूरिया है उसको बढ़ाने का ही काम करता है। तो हर्षवर्धन राणे का इस मूवी में जो अपीयरेंस है वो उसको हम स्पेशल अपीयरेंस कह सकते हैं, ना कि कोई लीड रोल या कोई भी
एज ए स्क्रीन उनको मिला है, क्योंकि उस इसमें टोटली लिमिटेड स्क्रीन के लिए, एकदम छोटे स्क्रीन के लिए, छोटे फ्रेम में ही उनको हम देख पाएंगे, ज्यादा टाइम हम उनको नहीं देख पाएंगे। आदित्य श्रीवास्तव इसमें पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। उनका रोल, उनका परफॉर्मेंस एज उनके रोल के हिसाब से ठीक ठाक लगा, बहुत अच्छा या खराब ऐसा नहीं, बस ठीक ठाक। इस फिल्म में जो गाने का यूज किया गया है, जो गाने हमें दिखाया गया है, हमें सुनाया गया है, वो जो जो सीन में है वो परफेक्टली बैठता है उस सीन के लिए, एकदम परफेक्ट जिसको कह सके कि जबरदस्ती किसी भी गाने को इसमें घुसाया नहीं गया, परफेक्टली हर एक सीन को जहाँ पे जरूरत थी उस जगह में ही उसी गाने को दिया गया है। और गाना भी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है और अच्छा भी है। अब अगर हम बात करें लेंथ और पेस के बारे में, तो लेंथ और पेस दोनों नॉर्मल है, परफेक्ट है। किसी भी वजह से, किसी भी कारण से इसको ज्यादा खींचा नहीं गया, यानी इसको ज्यादा लंबा नहीं किया गया और इसको ज्यादा शॉर्ट भी नहीं किया गया। इस मूवी को समझने के लिए, इस मूवी को समझाने के लिए जो एप्रोप्रिएट लेंथ और पेस रखना चाहिए वो ही है, मतलब एकदम परफेक्ट। इस फिल्म के शुरुआती टाइम से लास्ट तक जो सस्पेंस, जो मिस्ट्री को रखा गया है वो बरकरार रहता है। और सच में ऑसम बात है, बहुत से ऐसे कम फिल्म है, वेब सीरीज है, जो अपने इस मिस्ट्री को, इस सस्पेंस को बरकरार रख पाते हैं लास्ट तक, जो हमें बहुत ज्यादा थ्रिल करती है, जो इसमें आपको देखने को मिलेगा। इस फिल्म को लेकर अगर हम एक शॉर्ट मोरल कहे तो ये कह सकते हैं इसके लिए कि प्यार भी अपने लिए बलिदान मांगता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्यार के लिए वो सैक्रिफाइस को करोगे या प्यार के खिलाफ, जो आपको इसमें देखने को मिलेगा। क्रिटिक्स ने इस फिल्म को मिक्स्ड रिव्यू दिया है, मतलब कुछ लोग अच्छा बात बोला है, कुछ लोग बुरा बात बोला है। अगर हम बात करेंगे बुरा बात के यानी कॉन्स के बारे में, तो मुझे पर्सनली इतना ज्यादा कॉन्स या बहुत कुछ ऐसे कुछ नहीं देखने को मिला है, जो भी है ठीक ठाक ही है। जो भी कॉन्स अगर इसमें भी है तो नजरअंदाज किया जा सकता है, बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ प्लॉट, बिकॉज ऑफ स्क्रीन प्ले, बिकॉज ऑफ स्टोरी एंड इसमें जो सस्पेंस, थ्रिलिंग, रोमांस, मिस्ट्री जो भी है इसमें, जो जिस तरह से इसमें प्रेजेंट किया गया है, उसके लिए हम कॉन्स को नजरअंदाज कर सकते हैं। इन माई ओपिनियन इट्स अ मस्ट 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 वॉच मूवी। शादी वाला रोमांस, झगड़ा एंड ऑल दैट क्यूट थिंग्स वाला, ऑसम थ्रिलर वाला, सस्पेंस वाला, हाई इंटेंस वाला मूवी अगर आपको देखना है तो देखिए हसीन दिलरुबा। सो गाइस, आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उसके साथ अगर आपको मेरा एक काम पसंद आ रहा है तो मेरे इस काम के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ पास का जो घंटी का बटन उसको भी दबा दीजिए, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। तो फिर मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ एंड जय हिंद।